तो आ गए वायरल रील का सज्जन ने। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ यार। वेलकम बैक टू द तरुण शो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मेरे क्लाइंट की वीडियो हो गई वायरल, और वायरल भी छोटी मोटी नहीं, 1.5 लाख व्यूज़ नहीं गए हैं, पूरे 8.5 लाख व्यूज़ गए हैं, तो अच्छी खासी वायरल हुई है। तो वो कैसे हुई और उसके अंदर हम लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई, कैसे उससे हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला, फॉलोअर्स में, रीच में क्या इंक्रीमेंट्स हुए, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ब्रीफली बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, इनसाइट्स भी थोड़े बहुत मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और उससे मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि हमसे क्या हमने ऐसी चीज़ें करी जो हम लोगों को पर्सनली लगता है, मेरी टीम को लगता है कि हमने करी, जिसकी वजह से वायरल होने में उसको मदद हुई। अल्टीमेटली तो एल्गोरिथम का ही खेल है, सबको पता है, बट क्या हमने ऐसी चीज़ें करी जिससे कि हेल्प हुई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो डायरेक्टली फोन में देखते हैं यार कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। दिस इज माई क्लाइंट्स अकाउंट, और ये भी देख सकते हो 35,500 फॉलोअर्स अब तक इंक्रीज हो चुके, मतलब ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और जब ये वीडियो डाला था तब अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे याद है 32-33,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, 32,000 तक के ही थे। एंड ये रहा रील्स का सेक्शन, लेटेस्ट के 20,000, 30,000, 45,000, ये देखो ये वाला वन अभी सक्सेसफुल वाली 8,53,000 व्यूज। अब ठीक है, अभी एक मोटिवेशनल वीडियो थी, मोटिवेशनल कंटेंट इसके अंदर मेरे जो क्लाइंट हैं वो दे रहे थे, इससे पहले वाली जो वीडियो गई थी 78,000 व्यूज थे। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। देखो कंटेंट तो अपने अपने पे मैटर करता है, डिफर करता है, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ इसमें चीज़ें क्या हुई हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमने करी हुई हैं, इनसाइट दिखा देता हूँ पहले मैं आप लोगों को। जैसे कि ये वीडियो के तकरीबन 82,000 वो गए हुए हैं, एक सेकेंड, 82,000 इसमें लाइक्स गए हुए हैं, 381 इसमें कमेंट्स हैं, ठीक है। कमेंट्स बीच में थोड़े से डिसेबल भी करे थे हम लोगों ने, और इसमें ठीक ठाक शेयर वगैरह गए हुए हैं, ठीक है। इनसाइट्स हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, अकाउंट्स रीच 21.9%, ये लास्ट 7 डेज का, अगर लास्ट 30 डेज का देखें, ये वीडियो तकरीबन 2 हफ्ते पहले डली थी, 2 हफ्ते पहले। तो देखो, अकाउंट्स रीच्ड इज 1,130%, ठीक है। कंटेंट इंट्रैक्शन इज 100% मोर, एंड ऑडियंस जो फॉलोअर्स गेन हुआ है वो 13% बढ़ा है, 13% देख लेते हैं। इस लास्ट 30 दिन के अंदर 4,000 फॉलोअर्स ओवरऑल बढ़ा है, और एक्चुअल में जो बढ़ा था वो 6,700 बढ़ा था, जिसमें से 2,600 लोगों ने अनफॉलो मारा, मतलब 6,500 फॉलोअर्स बढ़ गए, ठीक है। इनके जो एवरेजली जो फॉलोअर्स बढ़ते थे वो तकरीबन 3,000 से कम ही होते थे महीने के, बट फॉलोअर्स जो डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए, वो क्यों हो गए, क्योंकि वायरल हो गई रील, ठीक है। उसकी एक उस दिन की वजह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक एक दिन पे, ये देखो सैटरडे को 27 मार्च को 700 फॉलोअर्स बढ़े हैं, 700 फॉलोअर्स, 112 अनफॉलो कराया लोगों ने, और तकरीबन 600 फॉलोअर्स ऑन एन एवरेज ऑन ओवरऑल बढ़ा है। इस वाले दिन पे कितना बढ़ा है, ठीक है, 26 मार्च को 600 फॉलोअर्स ओवरऑल बढ़े हैं। तो इट हैज़ गॉट अस सम प्रिटी अमेजिंग रिजल्ट्स, प्रिटी अमेजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है, ठीक है, इसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, वायरल होती क्यों है, क्यों कोई भी कंटेंट चाहे इंस्टाग्राम है चाहे यूट्यूब है, किसी भी वायरल होता क्यों है, मैंने उसको थोड़ा बहुत साइंस समझा है, जिनकी वायरल हुई है उन लोगों को थोड़ा देख के स्टडी किया है। कुछ चीज़ें इलॉजिकल थी, मैं कसम से बोलता हूँ इलॉजिकल थी, बट कुछ चीज़ें थी जो बहुत लॉजिकल थी, जो आप कर सकते हो। तो ये समझ लेते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ वायरल होती है तो वो होती क्यों है। किसी भी प्लेटफॉर्म का सबसे मेन मोटिव यही होता है कि उसके ऊपर ऑडियंस ज़्यादा देर तक टिकी भी रहे, उस ऑडियंस को चिपकाने के लिए उनको कंटेंट चाहिए ऐसा जो लोग ज़्यादा देर तक देखें। अगर आपकी वीडियोज़ या आपकी फोटो के ऊपर, किसी भी पोस्ट के ऊपर लोग ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, तो उसको रीच मिलने वाली है। मेन 3 चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा, सबसे पहला वॉच टाइम कितना आ रहा है आपकी रील्स का, ठीक है। वो हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते, यूट्यूब में ट्रैक कर सकते, बट इट्स ट्रू कि अगर ज़्यादा देर तक आपकी रील्स देखी जा रही हैं तो वायरल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर वो वीडियो वो रील जो है वो शेयर हो रही है, अगर उस पर एंगेजमेंट आ रहा है, अगर वो सेव हो रही है, अगर ये 3-4 चीज़ें हो रही हैं तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को लग जाता है कि भाई इसको कुछ देने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब ये तो जो बेसिक चीज़ है, अब इसके लिए हम लोगों ने करा क्या, इसको इम्प्रूव करने के लिए 5 से 6 चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 6 चीज़ें वो क्या हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कॉन्टेंट की जो क्वालिटी थी उसका हम लोगों ने ध्यान रखा कि यार जो कॉन्टेंट कोई भी इंसान आए तो विजुअली एस्थेटिक्स वो चीज़ और जो कॉन्टेंट दिया जा रहा है वो चीज़ वो अच्छा हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि
अगर क्योंकि मेन तो यार कंटेंट है ना, ये ध्यान रखना कि मेन कंटेंट ही होता है, एल्गोरिथम फिर उसको पुश कर देता है, अगर वो पुश करने के बाद रिजल्ट नहीं डालती तो फिर वो आपका रीच जानी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप क्या लोगों को हुक कर पा रहे हो कि नहीं। तो ऑडियंस को हुक करने के लिए हम लोगों ने हेडलाइन दी, टाइटल में हम लोगों ने उसके ऊपर हेडलाइन दी, आर यू स्ट्रगलिंग या आर यू लुकिंग फॉर मोटिवेशन, ऐसे कुछ करके हमने देना शुरू करा, आपको यहाँ दिखा दूंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करा, हमने उसके अंदर ये चीज़ समझी कि यार इंस्टाग्राम चलाते हुए लोगों के पास ईयरफोन्स नहीं होते तो वीडियो कंटेंट कंज्यूम करने में उनको दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन हर एक बड़े यूट्यूबर के, हर एक बड़े कंटेंट क्रिएटर के इंस्टाग्राम पे आप सबटाइटल्स देखोगे, उसका मेन पर्पस यही होता है ताकि कोई भी इंसान बिना ईयरफोन्स के भी या बिना साउंड सुने भी थोड़ा बहुत समझ सके व्हाट इज बीइंग सेड। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड इंक्लूडिंग सबटाइटल्स इनटू इट। उसके बाद फोर्थ थिंग हमने क्या करी, हमने उसके अंदर हैशटैग्स थोड़े से बड़े यूज करे। हमने कहा कि यार अगर रीच हम लोगों को मिल रही है, 60-70 हज़ार हमको पिछले पे मिल गई है, अगर हम बड़े हैशटैग्स यूज करेंगे हो सकता है इसको पुश मिल जाए, ठीक है। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग गुड तो आपके बड़े हैशटैग्स के ऊपर रीच मिल जाती है, आपको वहाँ पे असेंड करने का मौका मिल जाता है और वहाँ विजिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर हमने करा साउंड डिज़ाइन, छठी चीज़। साउंड डिज़ाइन का मतलब कि उसके अंदर बैकग्राउंड में एक ऐसा रिलेवेंट म्यूजिक डालना जिससे कि जो कंटेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट मिले। मोटिवेशन कंटेंट था तो मोटिवेशनल सॉन्ग डाला जो कि ज़्यादा लोगों को चुभे नहीं लेकिन लोगों को मोटिवेशन वाला काइंड ऑफ उस वाइब के अंदर भी लेके जाए, तो वो कहीं ना कहीं काम करा जिसकी वजह से वीडियो वायरल होने में मुझे ऐसा लगता है, मेरी टीम को ऐसा लगता है कि मदद हुई। एक्चुअल में क्या हुआ पीछे क्या नहीं हुआ वो इंस्टाग्राम ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते, वी कैन जस्ट एनालाइज अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सातवां एक बोनस टिप मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप में से कोई भी अगर म्यूजिक यूज करके रील्स बनाता है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है उसको रीच मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी अगर आप ऐसी रील बना रहे हो जिसके अंदर बैकग्राउंड में वो वाला म्यूजिक है तो वो रील जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, बहुत कोई खास खतरनाक कंटेंट नहीं था, बहुत कोई नया कंटेंट नहीं था, बहुत कोई हेल्पफुल कंटेंट नहीं था, वो वीडियोस भी नहीं बना रहे थे बट स्टिल वो बस ये और ये करके व्यूज़ लेके जा रहे थे। और मैंने खुद लोगों को देखा 50-50 हज़ार के फॉलोअर बेस पे जाते हुए। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो ये यार मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं अपना कंटेंट देना पसंद करता हूँ, बट अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो, आपको रीच मिल सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प हुई होगी, आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ अच्छी वैल्यू मिली तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। हम लोग ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, लाइफ के ऊपर। तो अगर ये सारे कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।